सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपया भी क्यों दें? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है, इसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जितने भी बच्चे हैं आज सभा में बैठे, उन्हें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर याद है, तो उसमें आपको बताया था कि इलास्टिसिटी की कितनी डिग्रीज होती हैं, 5। तो जो आपको इलास्टिसिटी की 5 डिग्रियां पहले पढ़ाई थी, मज़ेदार बात यह है कि वही 5 सेम डिग्रियां सप्लाई के लिए भी होती हैं। तो जैसे हमने एक डिग्री पढ़ी थी, इसका नाम था परफेक्टली इनइलास्टिक, जिस समय वैल्यू होती थी 0। तो सिमिलरली बिल्कुल सप्लाई के अंदर भी एक इलास्टिसिटी है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक, तो उस समय इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर एक डिग्री हमने पढ़ी थी जिसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू थी इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते थे परफेक्टली इलास्टिक। तो बिल्कुल सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। फिर इसी तरह अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू है लेस देन 1, जिसको बोलते थे हम इनइलास्टिक, तो सेम सप्लाई में भी अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम बोलेंगे इनइलास्टिक या लेस देन इलास्टिक। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, मोर देन इलास्टिक या इलास्टिक। 4 डिग्रीज हो गई। और 5वीं डिग्री होती थी कि अगर हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी या यूनिट इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी की चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो कितनी डिग्रीज होती हैं आयसक भाई, 5 डिग्रीज होती है। उन 5 डिग्रियों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0, इन्फिनिटी, मोर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1। तो डिमांड में भी सेम 5 और सप्लाई में भी सेम 5, उनके नाम भी सेम। अब हमें लेफ्ट वाले पेज पर आना है, और लेफ्ट वाले पेज पर हम 5 छोटे छोटे डायग्राम्स बनाएंगे जिनमें हम 5ों इन डिग्रियों के हिसाब से सप्लाई कर्व ड्रॉ करें। तो आ जाओ जी लेफ्ट वाले पेज पर।
तो सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने हैं आपको। ओरिजन, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लिख लेना, वाई एक्सिस पे क्या लिख लोगे? प्राइस। तो बिल्कुल इसी तरह के टोटल पांच बनाने हैं आपको, तो बनाओ पांच। चलो, तो पहला डायग्राम जो बनाना है आपको मेरे साथ, पहले डायग्राम पर हम पहले तरह का सप्लाई कर्व बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सुशील सप्लाई कर्व बनाना है आपको, जो बिल्कुल बनाना है कैसा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। तो बनाओ एक सप्लाई कर्व जो बिल्कुल पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो ये जो सप्लाई कर्व है, जो है बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस, बताओ ये कैसी इलास्टिसिटी शो करता है? हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी जीरो। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो क्यू ही रहेगी। आपका प्राइस चाहे पी जीरो हो, आपका प्राइस चाहे पी वन हो, आपका प्राइस चाहे पी टू हो, कुछ भी हो, प्राइस चाहे जो मर्जी हो, क्वांटिटी क्या रहेगी? क्यू सेम रहेगी। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो जीरो है। फिर आपको दूसरा डायग्राम बनाना है मेरे साथ। दूसरे डायग्राम पर आपको सप्लाई कर्व बनाना है, एक बहुत ही सुंदर सुशील कैसा, हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी का क्या है? इनफाइनाइट, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्राइस सेम रहेगा चाहे आपकी क्वांटिटी क्यू वन हो, चाहे आपकी क्वांटिटी क्यू टू हो, चाहे आपकी क्वांटिटी क्यू थ्री हो, कुछ भी हो, आपका प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी को परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, उसके बाद तीसरे डायग्राम पर आ जाओ। तीसरे डायग्राम पर आपको बनाना है सप्लाई कर्व जैसा मैं बनाऊंगा, एस एस। तो बताओ इस शेप को क्या कहते थे? स्टीपर, वेरी गुड। तो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, स्टीपर। तो यहाँ हमारा सप्लाई कर्व जो बनता है वो थोड़ा सा आपको स्टीपर बनाना है, स्टीपर। तो स्टीपर सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है? लेस देन वन। तो स्टीपर सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी होती है लेस देन वन। तो इसको शो अगर करना हो डायग्राम पर, तो हम कैसे शो कर सकते हैं? तो आप एक पी जीरो लेवल मार्क करो और यहाँ से आगे आ जाओ और सप्लाई कर्व पे टच होकर क्यू जीरो लेवल मार्क कर लो। तो पी जीरो और क्यू जीरो। अब आप प्राइस को देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, प्राइस को बहुत ज़्यादा चेंज कर लो, पी वन कर लो। लेकिन मज़ेदार बात ये होगी, बताओ क्या होगी? वेरी गुड। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि क्वांटिटी में आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम ही चेंज होगा, परफेक्ट। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि इलास्टिसिटी लेस देन वन है, बिल्कुल सही। तो जब भी सप्लाई कर्व स्टीपर होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन वन होगी। फिर आ जाओ जी चौथे चित्र पर। चौथे चित्र में जो आपको बनाना है सप्लाई कर्व सुंदर सुशील, वो बनाना है ऐसा। इसको क्या बोलेंगे? फ्लैटर, वेरी गुड। तो फ्लैटर सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन वन, वेरी गुड। और इसको डायग्राम पर कैसे शो करेंगे? सर क्वांटिटी बहुत चेंज हो,
बिल्कुल सही। तो एक पी ज़ीरो बना लेते हैं, जो क्वांटिटी आई वो है क्यू ज़ीरो। और अब आप प्राइस को थोड़ा सा चेंज करना, बहुत थोड़ा सा, बहुत कम। तो प्राइस को बहुत कम चेंज करना, थोड़ा सा। तो बताओ आइसक भाई, मज़ेदार बात क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी बढ़ तो वैसे भी जाएगी, मज़ेदार बात बताओ। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी प्राइस की मुकाबले, तभी तो फ़ायदा हुआ ना, इलास्टिसिटी ज़्यादा कहने का, कि तभी तो कहेंगे ना इलास्टिसिटी मोर देन वन है। तो फ्लैटर सप्लाई कर्व की खूबसूरती ये है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोर देन इलास्टिक। ठीक है, तो क्लियर हो गए यहाँ तक चारों। उसके बाद आ जाओ जी आखिरी नंबर 5। इसमें आप सप्लाई कर्व बनाओगे कैसा? एस एस। तो क्या ये स्टीपर है? बोलो क्या ये स्टीपर है? नहीं। क्या ये फ्लैटर है? नहीं। तो ये स्टीपर भी नहीं है, ये फ्लैटर भी नहीं है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या है? इक्वल टू वन। तो इसको कैसे शो करेंगे? बिल्कुल सही। तो पी ज़ीरो मार्क करा, फिर क्यू ज़ीरो मार्क करा। तो इसमें मज़ेदार बात क्या होगी बताओ आइसक भाई? बिल्कुल सही, कि अगर प्राइस जितना बढ़ गया आपका, क्वांटिटी भी प्रोपोर्शनेटली उतनी ही बढ़ेगी, सेम, ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा। तो ये शो कर रहा है कि इलास्टिसिटी यूनिट इलास्टिक यानी कि इक्वल टू वन है। तो बोलो जी सबको क्लियर हो गया? पांचों डिग्रियां सेम जैसा आपको आपको पहले पढ़ाया था, तो आपको बस पांचों डिग्रियां याद होनी चाहिए। अच्छा, बाकी एक और चीज़ सिखा देता हूँ बस, सिर्फ वो आपको सुनना है, लिखना नहीं है। वो नीचे के तीन जो केस हैं उनसे रिलेट करता है। अब आप नीचे के जो तीन मैंने सप्लाई कर्व बनाए उनको देखना, बस उनको फोकस करना। नीचे के जो तीन सप्लाई कर्व बनाए हैं उसमें जो पहला वाला, ये वाला है लेस देन वन वाला, इस सप्लाई कर्व को अगर मैं एक्सटेंड करूँगा, आपको नहीं करना, बस आप सुनते रहना, तो ये सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को कट कर देगा। अगर मैं दूसरे वाले सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करूंगा तो वो वाई एक्सिस को कट कर देगा, और अगर मैं तीसरे वाले सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करूंगा तो वो ओरिजिन को कट करेगा। तो हालांकि आपको नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो तीन बातें बन जाती हैं जो बहुत से लोग अलग से ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में एक नियम बना लेते हैं, कि अगर सप्लाई कर्व कट करे वाई एक्सिस को, यानी कि ये वाला देखो फ्लैटर वाला, तो इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन वन। फ्लैटर वाला देखो ना मेरे दोस्त, नशे से बाहर आके, तो जब वो वाई एक्सिस को कट करता है तो इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है मोर देन वन। अगर सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन वन। और अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास होगा तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल टू वन। तो आप ये अलग से बस एक बादल में नोट कर लो, क्योंकि कई बार ये हो सकता है, रेयरस्ट ऑफ द रेयर चांस हो एमसीक्यू में, या अगर आप कभी जीवन में ओलंपियाड में बैठे तो उसमें पूछ लेगा। तो इसको बस आप एक अलग से ऐसे नोट करके रख लो, ये भी इंटरप्रिटेशन है जो कई बार काम आ जाती है। तो अगर सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से कट कर रहा है तो इलास्टिसिटी मोर देन वन, अगर सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से कट कर रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन वन, और अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन। बहुत से लोग इसी को ज्योमेट्रिक मेथड भी कह देते हैं, जो वैसे आपको नहीं पढ़ना। हाँ, जैसे डिमांड में भी होती थी, लेकिन खैर
तो ये पूरा कार्यक्रम जो है ये है सप्लाई का। तो सप्लाई की इलास्टिसिटी की कितनी डिग्रियां हो गई? 5। तो क्लियर हो गया। चलो तो अब वापस से राइट पेज पर आ जाओ। अब नाम लिखते हैं इनके। तो नंबर वन में देखो लिखा है परफेक्टली इन इलास्टिक की डेफिनेशन की इट मींस दैट क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल विद द चेंज इन प्राइस। इन दिस केस आपको बताना है सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वेरी गुड वाई एक्सिस। फिर परफेक्टली इलास्टिक में लिखा है कि इट मींस दैट सप्लाई चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। इन दिस केस सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। थर्ड में लिखा है लेस देन इलास्टिक कि इट मींस परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दिस केस सप्लाई कर्व इज स्टीपर। वेरी गुड। फोर्थ में लिखा है मोर देन इलास्टिक में इट मींस दैट परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई कर्व इज फ्लैटर। वेरी गुड। और फिफ्थ में लिखा है यूनिट इलास्टिक में कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें सप्लाई कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कहाँ लिखा? बस तो ये हैं। देखो नलायकों के सरताज की डिमांड में लिखवाया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यहाँ पर भी होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व्स जो होते हैं वो होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन क्या सप्लाई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं? तो यहाँ पर कोई सेंटेंस मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि कोई नहीं है। ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारे को इलास्टिसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं वैसे तो नाम से। तो आप इसमें बस डैश डाल के लिख लो वी आर चैम्प। हेलो बच्चों, बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। तो आपको इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में पहले ही चैंप बना चुके हैं हम, और आप पहले ही चैंप बन भी चुके हो। तो अब बताओ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको वैसे मुझे तो लगता है याद होना चाहिए पहले की तरह। उसका फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। एक बार मेरे मन की संतुष्टि के लिए बता दो Q1 और Q0 का क्या मतलब होता है? ओके। और मतलब न्यू क्वांटिटी किसे बोलेंगे और ओल्ड वाली? ठीक है। और प्राइस में P1 मतलब न्यू प्राइस और P0 मतलब? ठीक है। तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। फिर जब इन्हीं फॉर्मूलों को आप सॉल्व करके पुट करते हो तो इलास्टिसिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्या बन जाता है, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 मल्टीप्लाई बाय P0 बाय Q0। वो सेम जैसा आपने डिमांड में भी पढ़ रखा है। तो मतलब मुद्दे की बात ये कि इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूरी तरह से क्या है, सेम है, डिमांड जैसा ही है।
बस एक बात का ध्यान रखना है। हाँ, तो इस बात का ध्यान आपने रख ही लिया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का और सप्लाई के बीच में कैसा रिश्ता होता है, डायरेक्ट रिश्ता होता है, राइट, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करके देखते हैं, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो तो आ जाओ जी, अपना रजिस्टर भी निकाल सकते हो और सवाल जो हैं वो ये रहे हमारे पास, तो वन बाय वन हम सारे करके देखेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं पूरा समझा देता हूँ फिर सॉल्व करेंगे। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज 5, तो इसका मतलब है कि अगर सप्लाई की प्राइस इलास्टिसिटी 5 है, तो मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ई एस इज इक्वल टू 5। ए प्रोड्यूसर सप्लाईज 500 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ रुपी 5 पर यूनिट। तो 500 यूनिट्स को आप कह सकते हो क्यू जीरो, और एट ए प्राइस ऑफ रुपी 5 को आप कह सकते हो पी जीरो। वेरी गुड। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी सप्लाइड, यानी कि आपको अब निकालना है Q1, ये फाइंड करना है, एट ए प्राइस ऑफ रुपी 6 पर यूनिट। 6 रुपए को आप क्या बोल सकते हो, P1। तो बेसिकली आपको इलास्टिसिटी दे रखी है, Q0 और P0 दे रखा है, P1 आपको 6 दे रखा है, तो आपको Q1 निकालना है। चलो तो कर लेते हैं सॉल्व, आ जाओ। हाँ आप भी करो, मैं भी करता हूँ, फिर देखते हैं कौन जल्दी करेगा। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है जी Q1 - Q0 अपॉन P1 - P0 इंटू P0 अपॉन Q0। तो इलास्टिसिटी कितनी दे रखी है हमको, 5, तो इसमें 5 पुट कर लो। Q1 हमें फाइंड करना है, उसे x लिख लो। क्यू जीरो कितना दे रखा है, थाउजेंड दे रखा है। अरे भाई ये नलायक बच्चे को मैं क्यू जीरो पूछ रहा हूँ, वो अपनी धुन में नाच रहा है। 500, तो वो बताओ ना बाबू। अब P1 मुझे भी तो सॉल्व करवाओ, 6। अब P0 5, ओके। तो P05 Q0 500, तो आपने सॉल्व कर लिया, एक्स निकाल लिया, ठीक है। तो इसका मतलब आप होशियार हो गए हो मेरे साथ रहते रहते अब। तो 5 से ये कट कर लेते हैं 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन गया 500 इज इक्वल टू X - 500, तो एक्स आ गया आपका 1000, ठीक है। तो मतलब आपका Q1 का आंसर आ गया 1000, ओके। तो ठीक है भाई, सब बच्चे संतुष्ट हैं, किसी को ये तो नहीं लगा कि क्या हो रहा है ये। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही लगाना है। आइए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है, ड्यू टू अ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो इसको मतलब हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है। इट्स क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस फ्रॉम 400 to 450 यूनिट्स, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, Q1 - Q0 अपॉन Q0 * 100। तो इसको कर लो सॉल्व, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ जाएगी इसे सॉल्व करके। तो पचास बटे 400 * 100, 12.5%, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गई 12.5%। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताओ, कह रहा है
ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आइए निकालते हैं इधर ही कोने में इलास्टिसिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है 12.5 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 10। तो क्या आंसर आ गया? 1.25। अब क्वेश्चन का आखिरी पार्ट पढ़ो। इज द सप्लाई इलास्टिक, क्या सप्लाई इलास्टिक है? कैसे पता? ओके, तो आप इतने होशियार कैसे हो गए? वेरी गुड। तो पीछे से देख लिया, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि पीछे से देख लिया। तो अगर आंसर 1 से ज्यादा आता है तो क्या बोलते हैं हम? मोर देन इलास्टिक। तो यस, सप्लाई इज इलास्टिक। तो इसका आंसर भी हो गया यस, सप्लाई इज इलास्टिक। तो क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन? सब बच्चों को समझ आया? चलो एक कर लेते हैं और, क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी एट ए प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट इज 400 यूनिट्स। तो इसका मतलब 8 क्या है? P0। और 400 यूनिट्स ये क्या है? Q0। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2। तो ये 2 क्या है? ES। कैलकुलेट द न्यू प्राइस, आपको क्या निकालना है? P1। एट विच इट्स क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 600 यूनिट्स। तो 600 क्या है? Q1। चलो, तो पहले आप अपना हुनर का प्रदर्शन दिखाओ, फिर मैं करता हूँ सॉल्व। तो सही बताया बच्चों ने, बिल्कुल सही, 10। मतलब P1 का आंसर आएगा ₹10। ठीक है, तो बाकी फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो आप चेक कर सकते हो, ES की वैल्यू 2 गिवन है, Q1 की वैल्यू 600 गिवन है, Q0 की वैल्यू 400 गिवन है, P1 को मैंने X लिख लिया और P0 की वैल्यू 8 गिवन है। उसके बाद थोड़ा सा गणित को सॉल्व करना है, जिसमें तो आप खुद ही महारत ही हैं। तो फिर X आ जाएगा 10। ठीक है, तो लगाओ थप्पड़ गाल पे अपना गलत आंसर लगाने के लिए, नहीं तो फिर तुम्हारे पड़ोसी को कहेंगे अगली बार। ठीक है, तो क्लियर है सबको? ये वाला समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹10 to ₹12। तो 10 क्या है और 12 क्या है? वेरी गुड। इट्स क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस बाय 100 यूनिट्स। ये क्या है भाई? Q0 नहीं है, चेंज इन क्वांटिटी। वेरी गुड, क्योंकि उसने बोला कि क्वांटिटी बढ़ गई है, डेल्टा क्यू, राइट। ये चेंज इन क्वांटिटी है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, इधर लिख देता हूँ, कि अगर Q0 को आप X ले लो तो Q1 X+100 है, ये मतलब है। और अब आगे तो बढ़ने दो मुझे। इफ ES इज इक्वल टू 2, इलास्टिसिटी है 2, कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज्ड प्राइस। इसका मतलब आपको क्वांटिटी निकालनी है बढ़े हुए प्राइस पर, यानी एक तरह से आपको Q1 फाइंड करना है। चलो आओ तो करते हैं साथ साथ। Q1 उसने बोला कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड एट इंक्रीज्ड प्राइस, बढ़े हुए प्राइस पर जो क्वांटिटी आएगी वो तो कौन सी होगी? Q1 नई वाली। चलो तो लिखो जी सॉल्यूशन, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ES इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। ES आपको कितना दे रखा है? 2। Q1 माइनस Q0 कितना दे रखा है? 100। चेंज इन क्वांटिटी 100 दे रखी है ना आपको। और P1 कितना दे रखा है? प्राइस 12। P1
और पी जीरो कितना दे रखा है, 10, और पी जीरो 10, क्यू जीरो को मैं x ले लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करके पहले क्यू जीरो निकाल लीजिए, 20 कितना आ रहा है, 250, तो x आ गया 250। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्यू जीरो तो आ गया 250। ओके, तो इतना क्लियर है भाई सब बच्चों को? तो बताओ क्यू वन का आंसर क्या आएगा, देयर फोर 350, क्योंकि क्यू वन था 250 प्लस 100, 350 यूनिट्स। तो क्यू वन का आंसर आ जाएगा 350 यूनिट्स। क्लियर? चलो एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है इफ ई एस इज इक्वल टू 3, इलास्टिसिटी है 3, ए सेलर सप्लाईज 20 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, तो इसका मतलब 20 हो गया क्यू जीरो, एट ए प्राइस ऑफ रुपी 8 पर यूनिट, तो ये क्या हो गया पी जीरो। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल द सेलर सप्लाई, आपको निकालना है कि कितनी क्वांटिटी सेलर बेचेगा व्हेन प्राइस राइजेस बाय 2 रुपी। तो बताना पी वन कितना हो गया, 10 रुपी। वेरी गुड, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ई एस का फिर से वही सेम फॉर्मूला, क्यू वन माइनस क्यू जीरो डिवाइडेड बाय पी वन माइनस पी जीरो इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। ई एस हमको दे रखा है 3, क्यू वन हमको निकालना है, उसको एक्स लिख लो, क्यू जीरो 20, पी वन 10, पी जीरो 8, पी जीरो 8, क्यू जीरो 20। तो इस गणित को सॉल्व करके एक्स निकालिए, 35 कह रहे हैं कुछ विद्वान बच्चे, तो एक बार मैं भी जल्दी से देख लेता हूँ। तो 2 × 8/20, 2 से ये कट गया, 4, 4 से ये कट गया, 5, 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 15। वेरी गुड, तो x आ गया 35। ठीक है जी, तो x इज इक्वल्स टू 35, तो मतलब आपका पी क्यू वन आ गया 35। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई सबको, समझ आया? तो बस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपको एक ही फॉर्मूले का मेनली इस्तेमाल करना है और उसी पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, यानी कि ये जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको हमें कोर्स के अनुसार नहीं करना, यानी कि हमारे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में नहीं होता, तो इसको आप सिर्फ रीड करके छोड़ देना अगर आपकी स्कूल की टीचर बोले तो, नहीं बोले नहीं करवाए तो मत करना, क्योंकि आपके प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ आपसे क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो डिग्रियां वो कितनी हैं 5, या फिर उनके डायग्राम, या फिर उनका सप्लाई कर्व, और या फिर आपसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा जिसमें आपसे इस वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन करवाया जाएगा। तो समझ आ गया इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन? चलो तो बस ये था पूरा कार्यक्रम, किसका, सप्लाई का और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में, आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में, किस बात के, मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को
तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना, इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं।